सर, हम लोग पुरानी दिल्ली से ऑटो पकड़ के गुजराती दिल्ली समाज में आए और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के छोटे भाई प्रहलाद चौधरी की लड़की हूँ। मेरा पर्स यहाँ से स्पैचिंग हो गया, अभी उसका ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब FIR सब दर्ज कराया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पर्स में क्या कुछ था? पर्स में ऑलमोस्ट 50-60,000 कैश था मेरा, क्योंकि हम लोग घूमने गए थे तो थोड़ा कैश हाथ में रखा था, और मेरे सारे आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइसेंस, बच्चों का भी आधार कार्ड था और मोबाइल से मेरे दो। अच्छा, आपको अभी एयरपोर्ट भी जाना था? या अभी यहाँ से मुझे अहमदाबाद का फ्लाइट लेना है, और मुझे यहाँ से जाने के लिए, फिर अहमदाबाद जाने के लिए मुझे ID कार्ड लगेगी एयरपोर्ट स्टेशन पे। मेरा एयरपोर्ट का टिकट सब वहाँ पे उसी में था मोबाइल में, सो अभी तो डिस्टर्ब है पूरा। कैसे लोग थे, क्या कुछ पता चला? कुछ दिखाई नहीं, दो बच्चे थे, बच्चे जैसे 17 से 18 साल की एज के दो लड़के थे जो सामने से आए और पर्स छीन के ऐसे गए जैसे विद इन अ सेकेंड वो लोग गायब हो गए, स्कूटी पे थे। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते में भतीजी के साथ झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन अमृतसर से आज दिल्ली लौटी हैं और इसी गुजराती भवन में उन्होंने अपना कमरा बुक करा रखा था। जब वो सुबह के वक्त यहाँ पर आती हैं तभी स्कूटी सवार दो बदमाश आते हैं, उनके पर्स को छीनते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पर्स में कैश के अलावा अहम दस्तावेज थे, ऐसे में उन्हें फ्लाइट पकड़नी है अहमदाबाद की, लेकिन उनके दस्तावेज जो हैं वो गायब हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, आसपास के CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकिन अगर सिविल लाइन इलाके की बात की जाए तो बेहद ही पॉश इलाका है, तमाम VVIPs यहां पर रहते हैं, ऐसे में बदमाश इस तरह से झपटमारी की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। जाहिर है ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुज मिश्रा।